जनसाहस संस्था सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी देवास द्वारा जिले में चलाए जा रहे निर्भया अभियान कार्यक्रम द्वारा कन्नौज तहसील में गरीब जरूरतमंद परिवार, प्रवासी मजदूर, विकलांग और विधवा महिलाओं को संस्था की ओर से सूखा राशन वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर संस्था के कार्यकर्ता सागर मालवीय और उनके सहयोगी साथी राहुल नायर भी शामिल थे। राशन वितरण कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कन्नौज तहसील के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ और संस्था के द्वारा आगे भी ऐसे परिवारों का चयन कर मदद की जाएगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जो एनजीओ संस्था है आज कन्नौज आकर और यहाँ के जो जिनको राशन की आवश्यकता थी, यहाँ पर सभी वार्ड की महिला पुरुष है, करीब 15 लोगों को इनके द्वारा दिया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोरोना काल में जब लोगों के पास काम की कमी पड़ गई, घर से निकल नहीं पाए और राशन की कमी हो गई, ऐसे समय में जन साहस के द्वारा अपने एनजीओ के माध्यम से इनको आटा, चावल, दाल, तेल और जो अपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजर, मास्क है, उसका वितरण किया जा रहा है। ये बहुत पुण्य का काम है और इनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि लगातार अपने इस एनजीओ के माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लगातार इस पूरे देवास ज़िले में इसी तरह से राशन मुहैया कराते रहें ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।